हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एनएसएस कैंप चल रहे हैं और आज उसका फोर्थ डे है और हम यहां आए हैं चंडी बाजार के नीचे ठेके के पास सावली गांव का रास्ता साफ कर और हमारे को यहां पे 25 बॉटल्स शराब की मिल चुकी है और हमारे सर यहां पीछे से आते हुए हमारे बहुत अच्छे कुछ भी सर ये है हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी। एक रास्ते की सफाई कर रहे हैं, उसमें झाड़ियां काट रहे हैं और जहां चलने लायक थोड़ा मुश्किल है वहां पे थोड़े स्टेप्स बना रहे हैं और ये रास्ता हमारे यहां चंडी गांव से सीधा शमशान घाट की तरफ जाता है। काफ़ी उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो हमारी चंडी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी की ऐसे एनएसएस यूनिट है, यहां पे कैंप के दौरान इस पे काम कर रहे हैं आज हम, और आज हमारा चौथा दिन है इस पे। सर हमारे को बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं, जैसा कि अब हम जा रहे हैं लड़कों के पास जो कि रास्ता बना रहे हैं। अब दिखाएंगे हम आपको इनका काम, वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए हमारे क्लास के बॉयज जो कि रास्ता बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है कमलू जी, है ब्लू अपर में, क्या नाम है, विशाल। एंड नेक्स्ट इज दिस, दो कैप लेके राहुल। एंड नेक्स्ट इज आशीष, और ये पीछे छुपा हुआ है हमारा पंडित जी, इट्स नितिन भारद्वाज। नेक्स्ट इज अवर आदित्य भाई। ये देखिए हम यहाँ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ रास्ता बनाया है, बहुत ही साफ सुथरा काम। ये देखिए, हेलो गाइस, अब हम एक दूसरी जगह पे आ चुके हैं साफ सफाई करने और करण भाई बेचारे बहुत अच्छे से काम करते हुए लगे हुए। और ये है हमारे मयंक भैया। यस मयंक भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे एनएसएस के बारे में? ये तो नक्सलवादी बने हुए। देखिए मेरी साथी सलोनी कुंबर काटती हुई, शाबाश शाबाश सलोनी। ये हमारे भाई आशीष जी आते हुए, नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर फील्ड। ये देखिए हमारे नितिन भैया कुछ बोलना चाहते हैं। यस बोलिए। समझिए क्या बोलना है। नो आई कांट। हेलो गाइस, आई एम, यस प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे रोड भैया जी, और ये एमएलए, ये हमारे एमएलए जी, ये है हमारे प्रधान जी, और ये है हमारे वार्ड मेंबर जी। वार्ड मैंने बताया। ओके, बेचारा ये बोल रहा है कि मैं आर्किटेक्चर बट इसकी डिग्री गुम हो चुकी है। ये बेचारा इधर ढूंढ रहा है, बोल रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी डिग्री ढूंढ रहा हूँ। ये हमारे सहयोगी साथी कमलू जी रास्ता बनाते हुए, बेचारा इसी में अभी प्राण भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं वापिस जहाँ पे हमने काम किया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ सफाई की है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि बॉयज ने हमारे क्लास के रास्ता बनाया है और हमने रास्ता साफ किया है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा, ये देखिए इधर से हमने साफ किया है। मेरे पेट में यहाँ पे बहुत सी शराब की बोतल्स थी और काफी गंद था हुआ पड़ा हुआ, जैसे कि हमारी मैम ने बताया था कि इधर काफी सालों से सफाई नहीं हुई थी। और मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जैसा कि हम इसको पहले बोल रहे थे कि लाल कष्टी, बट हमारी मैम ने हमें बताया है कि ऐसा इसको धतूरा कहते हैं। वाइट किसी को भी चाहिए होगा तो वो हमें संपर्क कर सकता है और हम बता सकते हैं कि ये पीपली है। ये देखो, ये चंडी बाजार से आगे जाकर जहाँ पे ठेके के नीचे की दुकान है वहाँ पे सावली गांव। अब हम जा रहे हैं पानी पीने, हम बहुत थक चुके हैं। इधर जैसा कि हमारे को पता चला है कि इधर प्राइमरी स्कूल है, ऋतिक भैया हमें ले जा रहा है पानी पीने। हम पूरी तरह से थक चुके हैं, रुंडा कर रहे हैं, रुंडा दाज हमारे पास है और हम बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारी क्लास की गर्ल्स नाचती हुई, कृपया करके अच्छा नाच करें।
ये देखिए सलोनी बजते हुए भावना के ऊपर क्या करते आक्रमण करती हुई सलोनी आतंकवादी। ये देखिए हमारी क्लास की गर्ल्स फोटो खींचती हुई जो काम कुछ भी नहीं। गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने जिपर पहना है, उसके अंदर से स्वेटर पहना है क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत ठंड होती है और आज हमारे को बहुत देर तक रहा गया। और हम जब सुबह प्रभात फेरी के लिए गए तो हम उठे ही नहीं, 6 बजे उठे, फिर हमने मैम को बोला कि 10 मिनट और सोने, और हमने लाइट बंद कर दी। उसकी वजह से हमें मैम से गालियां भी सुनने पड़ी कि तुमने लाइट शुरू की तरह उठ गए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने मुंह धोया और ब्रश किया। आज जैसे कि आज चौथा दिन है, हम फर्स्ट टाइम इतनी लेट उठे हैं। कल हम 4:15 बजे उठे थे और उससे परसों क्योंकि कल हमने पराठे बनाए थे आलू के और वो सब को पूरे हो गए थे। और आज हमारे क्लास के बॉयज बनाने जा रहे हैं पूड़े और हम आपको पूड़े की वीडियोस भी शेयर करेंगे। इससे हम पहुंच चुके हैं प्राइमरी स्कूल में और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखिए ऋतिक कहाँ से जा रहा है। हेलो बच्चों, हेलो करो। हाँ वेरी गुड। ये देखो हमारे महान लड़के NSS वॉलंटियर्स आ रहे हैं। ये करण जी, ये नीलाक्षी, ये पंकज, ये हमारे क्रिच्चू जी बाल्टी भर के ले चले नीचे पानी पीने के लिए। और परे से बाकी सब भी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मोहिनी, कितने देर से आए हो आप? मेगा का फोन है तो मेगा चिंग रही है कि मेरा फोन गुम हुआ तो मैं मार दूंगी। देखो हमारी सारी बोबो जी, ये देखो हमारी सारी बोबो जी, ये हमारे मैम आए। मैम प्लीज अपने व्यूज बताइए। हमारे बच्चों द्वारा NSS का आज ये चौथा कैंप है और चौथा दिन है सॉरी। और बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रास्ता साफ किया गया। इन्होंने एक आवाज पर ये उठ जाते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं। आज तो 10 मिनट लेट उठे हैं। आज 10 मिनट लेट उठे हैं। किसी का नाम भी बोलते तो बच्चे हां जी जैसे कि एकदम से इतने अच्छे एक्टिव बच्चे हैं, बात मानने वाले बच्चे हैं हमारे पास। और पूरा रास्ता इन्होंने अभी साफ किया है और बहुत सारा गंद उठाया है। थैंक यू। हमारी नीलाक्षी जी लगी है यहाँ पे, फूल लग गया करने। रास्ता का उद्घाटन करो। मैं क्या इतने पीछे हटेंगे, हम यहाँ पहुँच गए। उद्घाटन करे वो लड़कों ने बनाया उद्घाटन। अच्छा। उद्घाटन उद्घाटन। ये देखो ये हमारी नेहा जी, मेगा, यहाँ बहुत गंदा जैसा हो गया हुआ। ये हम है, यहाँ पे शक्ल नहीं आ रही है क्योंकि धूप। चलो खींचो फिर फोटो। व्हाट आर यू डूइंग हियर?